नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आज पी एफ के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो आप सभी ने मुझे कमेंट्स के अंदर बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे, इसके आंसर देने वाला हूँ। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। आज के का सफल क्वेश्चन है ट्रिक दुलाल 2018 की तरफ से, और ये पूछ रहे कि ब्रो ओपन फ्री होस्टिंग कंपनी, प्लीज़ हेल्प योर सब्सक्राइबर फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरे पास सर्वर नहीं है, मेरे पास तीन सर्वर है, खुद के सर्वर, और ये डिजिटल ओशन के अंदर है। तो मैं एक सर्वर के अंदर जो इस प्रकार की वेबसाइट स्टार्ट कर सकता हूँ, वहाँ पर आपको आसानी से बिल्कुल फ्री में वेब होस्टिंग मिल सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब देखिए जो वेब होस्टिंग कंपनी मैनेज करना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत ही सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपका वेबसाइट होस्ट नहीं होगा वगैरह। तो आगे जाके जो ट्राई करेंगे, लेकिन अभी के लिए पॉसिबल नहीं कि मैं आपके लिए इस प्रकार की वेबसाइट स्टार्ट करूँ जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में वेब होस्टिंग मिलेगी। लेकिन आपका क्वेश्चन अच्छा था, तो आने वाले टाइम के अंदर हम जरूर ट्राई करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है नीरज फॉर हेल्प की तरफ से, और ये पूछ रहे कि क्या सचमुच कोरा की मदद से अर्निंग कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, कोरा ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका नाम है कोरा पार्टनर प्रोग्राम। इसकी मदद से आसानी से आप क्वेश्चन आंसर करके अर्निंग कर सकते हो, लेकिन ये सभी के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको आपकी प्रोफाइल के अंदर या तो ईमेल के अंदर इनविटेशन आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कोरा की टीम आपका एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं, आपका स्टेटस क्या है। इसके बाद आपको अप्रूव मिलेगा, तब जाके आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अर्निंग कर सकते हो ये 100% श्योर है। इसके बाद क्वेश्चन है राहुल राव की तरफ से, और ये पूछ रहे कि हाउ टू माइग्रेट मल्टीपल वर्डप्रेस लाइव साइट टू वन डिजिटल ओशन ड्रॉपलेट। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आपको bmtechtips.com के ऊपर बहुत ही सारे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू होस्ट मल्टीपल वर्डप्रेस वेबसाइट ऑन डिजिटल ओशन, हाउ टू माइग्रेट नेमचीप टू डिजिटल ओशन, गोडेड टू डिजिटल ओशन। मैं सभी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए bmtechtips.com के ऊपर, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है पराजय गिर की तरफ से, और पूछ रहे कि भैया क्या वेब डेवलपर को किसी लीगल सर्टिफिकेट या तो परमिशन की जरूरत होती है, या फिर कोई भी कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप अपनी खुद की कंपनी जो स्टार्ट करना चाहते हो, और आप अपनी कंपनी के पीछे जो PVT यानी कि प्राइवेट लिमिटेड लगाना चाहते हो, तो आपको आपका नाम है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपको इस तरह से लोकल डेवलपर की तरह वर्क करना है, तो आप मेरी तरह कर सकते हो। मैं जो 2016 से कंटिन्यूसली वेब डेवलपर के ऊपर वर्क करता हूँ, मैंने बहुत ही सारे क्लाइंट्स का जो प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया है, बहुत ही सारे वेबसाइट बने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी भी कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई है। तो आप लोकल डेवलपर की तरफ से, लोकल डेवलपर की तरह आप आसानी से जो आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आपको किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन है गौरव पटेल की तरफ से, और पूछा कि भाई आप लैपटॉप से एडिट करते हैं, बिकॉज मैं अभी न्यू लैपटॉप बाय करने वाला हूँ, आपका लैपटॉप लैग करता है या नहीं ब्रो बताना। तो जो मेरा लैपटॉप है वो कभी लैग नहीं करता है, क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर i5 प्रोसेसर है, 8 जनरेशन, और उसके बाद 8GB रैम है। तो मैं आसानी से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास लेनोवो आइडियापैड 330 है। इसके बाद क्वेश्चन नितिन उडे की तरफ से, और पूछ रहे कि सर आप माइक्रोनाइस पर सीरीज स्टार्ट करो प्लीज़ ब्लॉगर पर। तो जी हाँ, सेटअप कम्पलीट होने के बाद मेरा एक प्लान है, जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही बड़े वीडियोस देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आसानी से ये सभी के टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मोब गेमर की तरफ से, और पूछ रहे कि भाई .xyz डोमेन पे गूगल एडसेंस अप्रूव होता है कि नहीं। जी हाँ, डेफिनेटली होता है। एक बार आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिए .xyz डोमेन के साथ, इसके अंदर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके आपको एडसेंस का अप्रूव मिलेगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि TLD डोमेन के अंदर आपको एडसेंस का अप्रूव मिलता है, जस्ट आपका कंटेंट है वो यूनिक और हाई क्वालिटी होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है शाह हक की तरफ से, पूछ रहे कि भाई क्या एडसेंस एड को दूसरे इवेंट ब्लॉग पे लगा या जा सकता है या नहीं। तो अब देखिए, आपको पता हो कि 2018 के अंदर एडसेंस ने इसकी पॉलिसी के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। तो अब एडसेंस के अंदर अगर आपको दूसरी वेबसाइट के अंदर एड लगाना है, तो पहले की जैसे आपको डायरेक्टली आपकी साइट जो एड करके लगा नहीं सकते, आपको पर्टिकुलरली आपकी वेबसाइट को अप्रूव लेना पड़ेगा, इसके बाद आप अपने दूसरे साइट के अंदर एडसेंस का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है श्रीनु इलवार की तरफ से, पूछते कि भाई मेरे ब्लॉग पर एड शो नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों। तो
तो सबसे पहले आपको चेक करना कि क्या आपके होस्टिंग के अंदर आपने GZIP कंपैरिजन ऑन करके रखा है या नहीं। अगर ऑन किया तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद नहीं होता तो आप अपने डैशबोर्ड पर जाए वर्डप्रेस के, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए कि आपने सेस प्लगइन वगैरह यूज़ किया है। तो एक बार आप सेस प्लगइन की मदद से क्लियर कीजिए वगैरह, ये सब कुछ कीजिए, इसके बाद आपका एड शो होने लगा। अगर आपकी एडसेंस का अकाउंट एनेबल नहीं है तो ये सब कुछ करने पर भी आपका एडसेंस का एड शो नहीं होगा। तो बस सिंपल वीडियो यहीं तक था, आखिर तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप कि जो आप आज के सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ हो सकता है को सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।